गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा कॉजेज फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और इस लॉ ऑफ डिमांड के कॉजेज और एक्सेप्शन को स्टडी करने से पहले अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कॉजेस फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड टेल अस दैट इफ प्राइस ऑफ एक्स फॉल डाउन द रिजल्ट इज डिमांड फॉर एक्स गोज हाई। क्या मतलब हो इसका? कंज्यूमर विलिंग टू बाय मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स इफ द प्राइस गो डाउन, यानी लो प्राइस के ऊपर कंज्यूमर ज्यादा परचेज करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई कंज्यूमर लाइक टू परचेज मोर एट लो प्राइस। तो उसके पीछे कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं जो इसको एनकरेज करते हैं कि कंज्यूमर लो प्राइस पर मोर क्वांटिटी को बाय करे। तो फर्स्ट फैक्टर which is responsible for operating law of demand, income, real income effect. Real income effect. What is real income effect? So before to study the real income effect, we must know about the type of income. Income is of two type, money income and real income. What is money income? Amount of money you have in your pocket. Like you have 100 rupees in your pocket. This is your money income. How much quantity of good as you can buy with the help of this 100 rupee note? Let the price of X is rupees 20 in the market. How much unit you can buy? You can buy 5 unit of X. So this 5 unit is your real income. ये आपकी real income है, जिसको आप purchase कर पा रहे हैं, ठीक है? तो यहां से आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि मनी इनकम क्या होती है और रियल इनकम क्या होती है। मनी इनकम का मतलब है मनी अमाउंट इन योर पॉकेट, रियल इनकम का मतलब है बाइंग कैपेसिटी ऑफ दैट मनी अमाउंट, ठीक है? नाउ व्हाट हैपन इन द मार्केट, इफ द प्राइस गोज डाउन इन द मार्केट, लेट इट बिकम 10 रुपी फ्रॉम 20, व्हाट हैपन नाउ? Now, with the help of same amount of money, consumer can buy 10 unit. तो हमने क्या महसूस किया, क्या फील किया कि जब प्राइस फॉल हो जाती है तो इससे कंज्यूमर का जो रियल इनकम है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। दैट्स वाई consumer is willing to buy or ready to buy more. Ready to buy more. जब ये आपका रिजल्ट आ गया कि why the consumer willing to buy more at low price? Because when the price fall down, it increase the buying capacity of consumer. That's why consumer willing to buy more quantity of goods. So the demand of consumer rise when the price goes down in the market. So this is the first factor which is responsible for operating of law of demand. ठीक है? Now
और सेकंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती है जिनको हम एक गुड के प्लेस पर दूसरे गुड्स को यूज करते हैं, तो उनको हम सब्स्टिट्यूशन गुड्स बोलते हैं। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन गुड्स का मतलब क्या है, देखिए, लेट वी आर टेकिंग टू गुड स्लाइस एंड माजा, स्लाइस एंड माजा। Now the price of slice fall down in the market. Why? The price of maja remain constant. इसको चेक करना ध्यान से कि क्या कहा हमने, the price of slice fall down in the market. Why the price of maja constant in the market? Let before the change it was 30 rupee and it was also 30 rupee, but now it fall from 30 to 25 rupee, it fall, but that remains same constant. So what will happen, those consumer who were previously consuming maja, now they shift their sale from maja to slice because slice become cheap, क्योंकि अब स्लाइस चीप रेट पे हो गया है, 30 रुपीज से 25 रुपीज पे आ गया है। तो जो लोग माजा कंज्यूम कर रहे थे वो स्लाइस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, स्लाइस की डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, प्राइस ऑफ स्लाइस फॉल हो गया 30 से 25, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, डिमांड फॉर स्लाइस go high in the market. ठीक है, तो यहां भी क्या समझा, when price of slice fall down in the market, it become कंपेयर टू माजा, सो दोज कंज्यूमर हू वर प्रीवियसली कंज्यूमिंग माजा, नाउ दे स्टार्ट टू कंज्यूम स्लाइस, सो डिमांड फॉर स्लाइस गो हाई इन द मार्केट। कि देखिए, हमने प्राइस ऑफ माजा चेंज नहीं किया, हमने स्लाइस की प्राइस को डिक्रीज करके उसी की डिमांड पर इफेक्ट आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में कहते हैं अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट, सो प्राइस ऑफ माजा रिमेन कॉन्स्टेंट इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्राइस ऑफ स्लाइस एंड डिमांड फॉर स्लाइस। यानी डिमांड फॉर स्लाइस पर हम लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करना चाह रहे हैं, तो हमें माजा की प्राइस को कॉन्स्टेंट रखना है। तो हमने क्या देखा कि स्लाइस की जो प्राइस फॉल हुई, तो अब ये जो स्लाइस जो प्रोडक्ट है इट बिकम चीप कंपेयर टू द माजा, इसकी कंपेरिजन में ये चीप हो गया। तो इससे क्या होगा कि वो कंज्यूमर जो पहले माजा कंज्यूम कर रहे थे, अब वो फीलिंग करेंगे मार्केट में, यार स्लाइस तो 25 का मिल रहा है, माजा अभी भी 30 रुपी का है, सो व्हाई डोंट वी परचेज स्लाइस इन प्लेस ऑफ माजा, दैट्स व्हाई दे शिफ्ट देयर सेल फ्रॉम माजा टू स्लाइस।
So the demand for slice go high in the market as the price of slice fall down. So now this product becomes cheap compared to masa. तो ये आपका सेकेंड फैक्टर हो गया रिस्पॉन्सिबल कि क्यों किसी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में हाई होती है, क्योंकि जब प्राइस फॉल होती है तो वो प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट की कंपैरिजन में चीप हो जाता है। तो इससे वो कस्टमर जो दूसरा प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे थे वो इस ओर शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे इसकी डिमांड मार्केट में राइज होती है। तीसरा ये डिफरेंट साइज ऑफ कंज्यूमर इनकम ग्रुप, डिफरेंट साइज ऑफ इनकम कंज्यूमर ग्रुप साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप व्हाट इट मीन, इट मीन in our society different size of income groups are many, means some of the poor person, some from the middle class, some from the rich class. This distribution also affect to the operation of law of demand. How it affect? Like there are three type of group living in the society: rich, middle and poor. Now we are thinking or we are applying the price of apple and demand for apple law of demand. Let the price of apple is rupees 200 rupee per kg. कि मार्केट में एप्पल का प्राइस है 200 रुपी पर केजी। नाउ हु विल बाय? ओनली रिच पर्सन विल बाय एट दिस प्राइस। नो मिडिल क्लास, नो पोअर क्लास इज एबल टू बाय दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट बिकॉज द कैपेबिलिटी ऑफ दीज टू ग्रुप इज नॉट अवेलेबल फॉर दैट प्राइस। नाउ इफ द प्राइस फॉल डाउन फ्रॉम 200 टू 100 रुपी पर केजी, रिच क्लास विल बाय, मिडिल क्लास विल बाय, बट पुअर क्लास विल नॉट बाय। इफ द प्राइस फॉल फ्रॉम 100 टू 50 रुपी पर केजी, रिच क्लास इज ऑलरेडी इन द बाइंग, मिडिल क्लास इज ऑलरेडी इन द बाइंग एंड पुअर क्लास विल ऑल्सो कम, सम ऑफ द पुअर पर्सन विल ऑल्सो कम इन द मार्केट। सो व्हाट हैपन इन द मार्केट व्हेन प्राइस फॉल डाउन? व्हेन द प्राइस फॉल डाउन देन दोज कंज्यूमर, those consumer who were not capable to buy this product at previous high price, now due to fall in price they are capable. So the number of consumer go high in the market as the price fall down, because those person who are not capable to buy this product in the previous high price, now due to fall in price they become capable. So the number of consumer go high in the market, that's why the demand for the particular product go high as the price go down. So जैसे जैसे price go down होगा वैसे वैसे number of consumer जो है वो market में ज्यादा enter करेंगे। क्यों ज्यादा enter करेंगे? क्योंकि ऐसा करने से market में जो price fall होने की वजह से जो capability rise हुई है consumer की, उसकी वजह से ज्यादा कंज्यूमर मार्केट में एंटर करेंगे, इससे कंज्यूमर की डिमांड मार्केट में राइज हो जाएगी।